हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईसेफ टेक्नीशियन वर्क में आपका सभी का स्वागत है। देख सकते हो ये इंटेक्स का यहाँ पर सैटेलाइट स्पीकर है। इसके जो सैटेलाइट स्पीकर में अलग से ही बारिश की जैसी आवाज़ आ रही है जो कि सरसराहट टाइप होती है। इसे हम हमिंग भी नहीं कह सकते, एक प्रकार से हमिंग का आवाज़ थोड़ा अलग आता है। तो इसे किस तरीके से सॉल्व करना है और कैसे सॉल्व करना है इस वीडियो में आपको मैं बताऊँगा। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, बिना स्किप किए वीडियो को फुल्ली वॉच करें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से मैं ये देखिए, इसका 4 इंच का ऊपर है, सब ऊपर है फ्रेंड्स, सॉरी। और ये इसका 5.5 इंच का सब ऊपर है। इसमें 4 IC वाला जो ब्रिज का 20-30 का बोर्ड होता है, TDA 20-30 का, वो यूज़ किया है। तो किस तरीके से इसे सॉल्व करना है इस प्रॉब्लम को इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इसका बैक कवर मैं फटाफट से खोल लेता हूं, जितने भी सारे स्क्रू है इसे खोल लेता हूं और आपको मैं इसके अंदर क्या और किस तरीके से रिपेयर करना है वो बताऊंगा। तो बने रहेगा वीडियो में फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर इसे खोल लिया है और ये इसका बोर्ड है। तो इसे मैंने देखिए, ये हीट तो होता है क्योंकि मैंने इसे लगभग मैं इसे आधे घंटे से यूज़ कर रहा हूँ, यानी कि सॉन्ग को इसमें चला रहा हूँ, तो इतना हीटिंग तो ये करता ही है ड्यूअल पावर सप्लाई का होने के कारण। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें प्रॉब्लम ऐसी बनती है कि इसकी जो स्पीकर है वो स्पीकर में सरसराहट की आवाज़ आ रही है। तो सबसे पहले हमने इसमें इसके जो वोल्टेज है वो वोल्टेज चेक कर लेना है। तो मल्टीमीटर को मैं 20 की रेंज पर लगा लेता हूँ। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर मल्टीमीटर को मैंने 20 की रेंज पर लगा लिया है। और 20 की रेंज पर लगा लेने के बाद में आपने इसकी जो वोल्टेज है वो वोल्टेज चेक करना है। तो देखिए प्लस के 12 वोल्ट के करीब यहाँ पर बन रहे और माइनस के भी 12 वोल्ट के करीब यहाँ पर बन रहे। अभी यहाँ पर एसी का जो इनपुट है वो 220 वोल्ट नहीं है, जिसके कारण यहाँ पर ये वोल्टेज कम बता रहा है। तो अभी हम इसमें एक और काम करेंगे, इसके स्पीकर की जो आउटपुट की पिन होती है आईसी की, वहाँ पर हम वोल्टेज चेक करेंगे अभी। तो यहाँ पर मिली एम्पियर में वोल्टेज आ रहे हैं जो कि नहीं आना चाहिए, जिसके कारण ये आईसी हमें चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट से मैं आईसी को यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। और हाँ, अब इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए मैं फटाफट से आईसी को निकाल लेता हूँ, बने रहिएगा वीडियो में। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो नंबर की आईसी थी वो 2050 नंबर की आईसी थी इसमें। तो अभी यहाँ पर पुरानी वाली आईसी नीचे गिर चुकी है, तो अभी मैं इसमें लगाने वाला हूँ। मेरे पास अभी 20-30 नंबर की आईसी नहीं है, तो इसमें अभी मैं 2050 नंबर की आईसी लगाऊंगा। इसका आउटपुट थोड़ा ज़्यादा होता है 2030 के मुकाबले, तो इससे दो सैटेलाइट बहुत ही आराम से चल जाएंगे 4 ओम्स के, जो कि 10 वाट का स्पीकर होता है हमारा सैटेलाइट का। तो चलिए इसमें अब इसमें मैं लगा देता हूँ। और हाँ, आईसी लगाने से पहले आपने इसके ऊपर हीट सिंक कंपाउंड लगाना बेहद ही ज़रूरी है। आपको हीट सिंक कंपाउंड यहाँ पर लगाना बहुत ज़रूरी है, वरना आपकी आईसी यहाँ पर काफ़ी बर्न होगी। और चलेगी तो सही, लेकिन इसकी जो लाइफ है वो लाइफ आपको यहाँ से नहीं मिलेगी, फिर वही कारण बनेगा, बार बार आपको आईसी डालनी पड़ेगी। कोई कोई स्पीकर इसमें 8 ओम्स के भी होते हैं, हमें समझता नहीं उसे पेयर में लगाना है या सीरीज़ में लगाना है। हम उठा के सीधा पिन लगा देते हैं, बाद में क्या होता है आईसी बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाती है, उड़ जाती है। तो आगे चलकर ये प्रॉब्लम ना बने इसके लिए अभी से हम उस पर काम करें तो बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए मैं इस आईसी को यहाँ पर फिक्स कर देता हूँ। और ये काफ़ी कॉस्टली भी नहीं आती है, लोकल मार्केट में काफ़ी चीप प्राइस में ये मिल जाती है। और जब भी आप इसमें आईसी लगाओगे तो सबसे पहले आपने काम करना है उसका जो स्क्रू होता है उसको यहाँ पर पहले कस लेना है, वरना आप इसमें शोल्डिंग करोगे और बाद में स्क्रू को कसोगे तो फिर स्क्रू की जो जगह होती है वो यहाँ पर प्रॉपर फिक्स नहीं होगी,
फिर आपको शोल्डिंग हटानी पड़ेगी, तो दोबारा काम ना करना पड़े इसके लिए पहले ही आप आपके काम को 100% दीजिएगा, आपको दोबारा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसे नट से अच्छी तरीके से कस लिया है, इसमें कोई भी लूज कनेक्शन नहीं रखना है वरना ऐसी काफ़ी बर्न होगी और ख़राब हो जाएगी। तो चलिए इसमें अब मैं शोल्डिंग कर देता हूँ। सेट को आपने ऑफ रखना है, जब भी आप ये काम करो सेट को ऑफ रख के ये काम करना पड़ेगा। अगर आप एक्सपर्ट हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आप अगर ये काम आप नया सीख रहे हो तो आपको सेट को आपका जो भी होम थिएटर है उसे आपने ऑफ ही रखना है, वरना प्रॉब्लम बन सकती है। तो प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े इसके लिए ये सावधानियां बरतना हमें बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने आईसी को फिक्स कर दिया है और उसकी शोल्डिंग भी कर दी है। अब आपने यहाँ पर आईसी को मैंने यहाँ पर हीट सिंक के साथ कनेक्ट कर दिया है, शोल्डिंग भी कर दिया है। अब आपने किसी ब्रश की मदद से यहाँ पर थोड़ा ब्रश को घुमा लेना है ताकि यहाँ पर कोई शॉर्ट सर्किट ना रहे और फिनिशिंग भी अच्छी आए। तो अब मैं यहाँ पर शॉर्ट हमारा जो होम थिएटर है उसे मैं यहाँ पर ऑन कर लेता हूँ। और आप जब भी ये काम करो तो आपने ये काम सीरीज में ही करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको दूसरे चैनल के साथ भी बता देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि हम एक ही आईसी से यहाँ पर दो चैनल रन करा रहे हैं, क्योंकि इसका एक जो यहाँ पर सिस्टम है वो बेकार हो चुका है, SMD होने के कारण वो नहीं बन पा रहा है। तो देखिए यहाँ पर कोई सरसराहट सी आवाज़ नहीं है। देखिए यहाँ पर 3.0 BT कनेक्टेड हो चुका है। तो अभी मैं यहाँ पर आपको NCS सॉन्ग चलाकर बताता हूँ ताकि हमारा जो चैनल पर कोई कॉपीराइट ना आए। तो देखिए मैंने यहाँ पर NCS सॉन्ग लगाया है, देखिए बहुत ही अच्छे तरीके की इसमें आवाज़ आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें साउंड आ रहा है, कोई भी बारिश या हमिंग का प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। आपके साथ अगर ये प्रॉब्लम होता है, आपके साथ अगर ये प्रॉब्लम आती है तो आपने डायरेक्टली आईसी को चेंज कर लेना है। आप देखिए यहाँ पर आईसी का भी कोई हीटिंग का प्रॉब्लम नहीं है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये होम थिएटर रन कर रहा है। अगर आपके साथ इस तरीके की प्रॉब्लम आती है तो आप ये फार्मूला यूज़ करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो में